अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं जो स्टील पाइप इंडस्ट्री के सरपरस्त आला हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी इंडस्ट्री के साथ हुकूमत की तरफ से क्या ज़्यादती हो रही है और क्या ऐसे इकदाम लेने चाहिए जिससे ये इंडस्ट्री भी फले फूले और पाकिस्तान तरक्की करे और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग भी आगे बढ़ें और मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप तो सर बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि ऐसे कौन से इकदाम हैं जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नालाँ हैं और कह रहे हैं कि ये हुकूमत का सौतेली माँ वाला सलूक है। बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो हमारे दिल को लगा है, जो हमारी दुखती रख गया उस पर आपने हाथ रखा। बात यह है कि इस मुल्क में एक जुल्म ये है जो कई डेकेड से हो रहा है कि हर फील्ड में तीन चार जो बड़े प्लेयर हैं उनकी रसाई FBR में, उनकी रसाई मिनिस्ट्री में, उनकी रसाई PM हाउस में, सही, तो वो अपनी मर्ज़ी के जो कानून हैं और मामलात हैं उन्हें वो इन्फोर्स करा लेते हैं। सही। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने हर सेक्टर में जो स्टेक होल्डर था उससे डिबेट की और पॉलिसी हम लेके आए, लेकिन गवर्नमेंट ये भूल रही है कि दो चार किसी भी सेक्टर के दो चार जो बड़े प्लेयर हैं वो स्टेक होल्डर अकेले नहीं होते। जो एसोसिएशन है हर फील्ड की, उस एसोसिएशन के पास जाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, असल स्टेक होल्डर वो हैं। वो होते हैं और ज़्यादा इची बिची जान रहे होते हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज उन्हें ज़्यादा पता होती है। सही। अब हमारे साथ अलमी ये हुआ कि 2014 से पहले जो SRO 565 था उसमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड की गई 2014 में, मैं स्टील की अब बात कर रहा हूँ, सही, वो ऐसी ऐड की गई कि 6-7-8 बंदों को एक बेनिफिट मिल गया ड्यूटी का। अब मैं इंपोर्ट करूं छोटा ताजर इंडस्ट्री का तो वो चीज़ मैं ड्यूटी देता हूं लेट्स सपोज 40,000, और वही मटेरियल जब वो SRO के बेनिफिशरी इंपोर्ट करे वो ड्यूटी देते हैं 20-21,000। पता 18 से 20,000 रुपये का फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क है। सही। अब अगर वो इसको इंपोर्ट करते हैं, वैल्यूडेशन करते हैं और उसको मार्केट में फ्लोट करते हैं तो वो लेट्स वो 10,000 वैल्यूडेशन करें और 5,000 प्रॉफिट रखें तो हमारी कॉस्ट हो तो फिर नीचे रहे। उसके बावजूद पिछले 8-10 साल से ये इंडस्ट्री हचकोले खाती हुई अपने ज़ोर पे चल रही है और जितने बड़े प्लेयर हैं 99.9% बैंक फाइनेंसिंग है और जितना 95% छोटा ताजर है। सही। जो 20-30-25 करोड़ की इंडस्ट्री लगा के बैठा हुआ है, 200-200 मजदूर रखे हुए हैं, लोगों का घर चल रहा है, 100% पॉकेट से उन्होंने लगाई हुई है, कोई बैंक फाइनेंसिंग नहीं है सिवाय LC लिमिट के। अब इतने बड़े डिफरेंस को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे मार्केट में? सो इस वजह से ये जुल्म चला रहा है। 95% लोग 70-80% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे। सही। और ये 5% जो प्लेयर हैं बड़े ये 30% इंपोर्ट करते हैं या 25%, ये यानी ज़्यादा हिस्सा जो है उनका। अच्छा सर, मैं ये आपकी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ओके ओके। वो SRO के बाद आज वो 95% जो लोग हैं वो 25-30% स्क्वीज होकर रह गए हैं इंपोर्ट पे और ये 70-75% इंपोर्ट पे चले गए हैं। सबसे बड़ा अलमी है और मेरे पास या आपके पास तो दादो शुमार नहीं होंगे। FBR को दादो शुमार इकट्ठे करने में कुछ प्रॉब्लम है जी? प्लीज़ आप कुछ। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता था चूँकि आप सरपरस्ते आला भी हैं, मैं अपने नाज़रीन को भी बता चुका हूँ कि खालिद जहांगीर भट्ट साहब इस इंडस्ट्री के सरपरस्ते आला हैं, तो सर एक होता है आपका तरीकाकार होता है, एक रोड मैप भी होता है कि आपने फलां से, यानी आपने FPCCI से बात करनी है, उन्होंने बात नहीं सुनी, आप चले गए वज़ीर ख़जाना के पास, चले गए वजारत में चले गए और फिर आपने प्राइम मिनिस्टर को भी किसी न किसी तरीके से अप्रोच कर लिया। आप यकीनन कह रहे हैं कि हम छोटे ताजरों में, छोटे इंडस्ट्रियल्स में शुमार होते हैं, तो क्या आपने ये तरीकाकार इख्तियार किया है कि आपने अपने जो फोरम है मुख्तलिफ उनसे राबता करके अपनी आवाज़ में थोड़ा जान डाल के पहुँचाने की कोशिश की हो? मैं कोई तकरीबन 3 साल FPCCI में चेयरमैन स्टील स्टैंडिंग कमेटी भी रहा हूँ। सही। हम हर दौर में अभी भी हमारा मंथली, मतलब साल में कोई 10 मुलाकातें मिनिस्ट्री में होती हैं, हम अपनी जाके प्रॉब्लम बताते हैं। अलमिया ये कि हमारी सिर्फ सुनते हैं,
करते अपनी मर्जी हैं। लास्ट ईयर वादा किया गया कि ये जो जुल्म है आरडी का, इसको हम ख़त्म करेंगे, हाफ कर दी। और हाफ कहा क्योंकि एकदम हम झटका नहीं देना चाहते, झटका नहीं देना चाहते किनको, वो जो 5% बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, उनको सेटल होने में टाइम लगेगा, हम आपको जनवरी में कर देंगे। हम मान गए, हाफ हमें फेवर मिल गई, हाफ पेंडिंग रह गई जनवरी से। अब आ गया, अब रजाक दाऊद साहब अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, उन्होंने फिर हमसे वादा किया। लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कैटेगोरी कहा है कि ये मैं बजट में करूँगा, लेकिन हमें लगता नहीं है, नहीं लगता। अच्छा सर, मैं ये भी चाहूँगा कि आप चूँकि बड़े लोगों को तक तो ये फार्मूला ज़रूर पहुँचाते रहे होंगे, पॉलिसी मेकर तक भी आपका बनाया हुआ फार्मूला पहुँचा होगा, मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को या जो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी ये बताएं कि आप क्या ऐसा फार्मूला देना चाहते हैं जिससे हुकूमत को नुकसान भी ना हो और आप भी उसके बेनिफिशरी हों और हुकूमत भी बेनिफिशरी हो। देखिए जी, उसका बहुत अच्छा सवाल है, उसका बड़ा आसान तरीका है। गवर्नमेंट कहती है, एफबीआर या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहती है कि अगर हम आपसे आरडी उठा लेते हैं तो हमें रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ जाएगा। हमने जो लास्ट मीटिंगें हुई पिछले एक डेढ़ साल से, उसमें उनको इन पॉइंट्स पे कन्विंस किया कि आप 25% से आरडी वसूल कर रहे हैं, पूरी ड्यूटी ले रहे हैं, ओके, 75 से नहीं ले रहे, यानी जो 75% मटीरियल इम्पोर्ट हो रहा है उस पर पूरी ड्यूटी नहीं पे हो रही 25%, इसका मतलब है रेवेन्यू शॉर्टफॉल तो वहाँ आ गया। अब हमारी डिमांड है कि इसको भी ख़त्म किया जाए, आरडी को जो बैलेंस रह गई है। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से कोई बाबू ये फीड कर रहा है कि यार ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ जाएगा, कैसे आ जाएगा भी ये तो इंसाफ करेंगे तो नहीं, इंसाफ के अलावा इंसाफ तो मतलब आप, जिन लोगों को छूट मिल रही है उनको, अब मैं बता, उसी इंसाफ, ले इंसाफ के अलावा 25% से आप एक बहुत छोटा चंक ले रहे हैं, 75% से तो आप ले ही नहीं रहे। अब अगर आप 25% छोड़ देते हैं तो आपको बहुत माइनर सा लॉस है। हम कहते हैं ओके, अगर आप समझती हैं लॉस है बैठ जाए हमारे साथ, हमने ये फार्मूला भी नहीं दिया। आप एसआरओ में जो आपने आरडी उनको एग्जेम्प्ट की हुए है, जो एसआरओ के फैसिलिटेटर हैं जिनकी इस वक्त इम्पोर्ट 70 से 75% है, आप उनको भी चार्ज कर दें, उनको हमें दोनों को चार्ज कर दें, आपको रेवेन्यू में अच्छा खा मतलब कई मिलियन टन के ऊपर जो आप ड्यूटी का नुकसान कर रहे हैं वो बच जाएगी आपकी। सही, आप अगर हमें यहाँ फेवर नहीं कर रहे तो ये जो ना हक फेवर आप किसी और को दे रहे हैं, वो कहते हैं जी वो सीआरसी प्रोड्यूसर है। अब सीआरसी एचआर की वो टेक्निकल सी बात है, वो वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में उनका प्राइस का फर्क है, लोकल भी फर्क है, और जो सस्ता रॉ मटेरियल मार्केट में आता है जो हमें डैमेज करता है, हम नहीं कहते कि वो लोग गलत हैं, वो अच्छे लोग होंगे, अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं से तो सिंक होके वो सस्ता मटीरियल मार्केट में आता है, तो आता कहाँ से है? आप, मैं और आप तो ड्यूटी पूरी दे रहे हैं तो हम तो सस्ता नहीं बेचेंगे, हम पागल है 20,000 रुपये सस्ता बेचते हैं, तो अगर सस्ता बिक रहा है तो वहीं से बिक रहा है। सो गवर्नमेंट अगर हमें फेवर नहीं करना चाहती और गवर्नमेंट को कोई ऐसी लालच भी नहीं है उनसे, सही, तो बैलेंस कर दें। अब जर्मनी से बड़ा कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है गाड़ियों का, जापान से बड़ा कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, कितनी ड्यूटी है वहाँ पर? आपने कभी सुना है कि जर्मनी में उन्होंने इसलिए ड्यूटी लगाई हुई है कि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, और जापान में इसलिए ड्यूटी लगी हुई है कि लोग, नहीं, कंपटीशन है। जब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी हमें, मैं और आप जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं एचआरसी हॉट रोल क्वाइल, वो भी इंपोर्टर, कोई मैनुफैक्चर नहीं है इस मुल्क में स्टील मिल बंद होने के बाद, तो सबका रॉ मटेरियल जब एक प्राइस पे होगा, ठीक है, तो क्वालिटी में बिकेगा, मेरी क्वालिटी अच्छी है तो यही फिनोमेना है मार्केट का होना चाहिए। लेकिन अलमिया यह है कि यहाँ 5% से कम, अब गवर्नमेंट ने एक और काम किया, देखिए जब तक आप स्टेक होल्डर को टेबल पे नहीं बिठाएंगे आप जरूरी है। बहुत जी, बिल्कुल। अब आपने फाटा बाटा में, मैं समझता हूँ फाटा बाटा के लोग मुस्तैक हैं, उनको फेवर देनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि फाटा बाटा का वो जो एक मीडियोकर बंदा है क्या उसको फेवर मिल रही है? फाटा बाटा में तो सारे पंजाब से लोग चले गए हैं, इंडस्ट्री उनके नाम है, आपने उन्हें टैक्स भी फ्री कर दिया, सेल टैक्स भी फ्री कर दिया, सीधा सीधा 20,000 रुपये का फ़र्क है। आपने अब कानून लगा दिया जी हम उन्हें टाइट अप करके वो मटेरियल वाया पेशावर उनकी बाउंड्री तक पहुंचाएंगे, उसमें भी लीकेज है, पहुंच भी गया, उसके बाद कौन जिम्मेदार है? मटेरियल तो आ रहा है, आपने ये पॉकेट्स बनाई क्यों? सही। अच्छा सर, उसमें तो एक गवर्नमेंट का एक ये भी मकसद होता है कि जब फाटा फाटा की आप बात करते हैं कि जो अब हिस्सा बन गया है,
वो इसलिए भी होता है कि वहाँ के मकामी लोगों को जो है ना वो रोज़गार मिले और वो लोग भी अपनी गुरबत ख़त्म करें। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा नहीं, इसमें मैं ऐड कर लूँ जी प्लीज़। बिल्कुल उनको रोज़गार मिलना चाहिए, मैं इसका हामी हूँ, उनको पूरी फेवर में, लेकिन किसकी कुर्बानी पे? पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को आपने ज़िबा करके उधर कुर्बानी। अच्छा उधर डेवलपमेंट कौन सी हो रही है जो आपने असेस ही नहीं किया कि उधर मिले लगी हुई हैं? स्ट्रक्चर ऑन ग्राउंड अभी वो ऑपरेशनल नहीं है, तो डाटा तो निकालने, इंपोर्ट कितनी हुई है? और ये सारे डाटे जो मेरी इतला है, जो हमारी एसोसिएशन की इतला है, ये सारे डाटे गवर्नमेंट के पास हैं, उनको पता है कि ये अभी मशीन ऑपरेशनल नहीं हुई पिछले 8 महीनों से, और पिछले 1 साल से इंपोर्ट। अच्छा कमाल यह है कि फाटा बाटा की इंपोर्ट की LCA खोल रही है पंजाब से, कराची से, मुल्तान से। मतलब आपने लोकल को क्या, आप लोकल को पता क्या दे रहे हैं? आप लोकल को कह रहे हैं कि खान साहब आपको इसमें 2-3 हज़ार रुपया पर टन मिल जाएगा, एंजॉय करें, 2-3 साल का ऑडिट होगा, घुमा घुमू लीजिएगा। उन बेचारों को ये नहीं पता कि 2-4 साल के बाद जिस दिन फंसे तो देना सारा ही पड़ेगा। सही। आज से सर कुछ साल पहले, यानी 1.5-2 साल पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कि रियल स्टेट वालों को बहुत टाइट किया गया, उनको स्क्रू किया गया, तो उन्होंने बहुत शोर वोगा किया और अब बहुत सारे फैसले उनकी फेवर में हो गए। और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ये बार बार फरमाते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको फलने फूलने में हम बहुत ज़्यादा अपने इकदाम करें, तो आपका मटेरियल भी ज़्यादा, तो ज़्यादा क्या, कंस्ट्रक्शन में जाता है, कंस्ट्रक्शन में ही जाता है। तो अब बजट तो आलमोस्ट सारा तैयार हो गया, लेकिन इस मैं मुख्तसर सा जवाब ये चाहूँगा कि इस आखिरी लम्हात में 11th hour में आप गवर्नमेंट से क्या ऐसी डिमांड करना चाहते हैं कि ताकि आपको भी थोड़ा रिलीफ मिले और इस इंडस्ट्री को भी मिले? देखिए जी, हम चाहते हैं कि जो भी पॉलिसी बने, क्रॉस द बोर्ड बने, कराची से खैबर तक एक कानून हो। गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन साइड है वो स्टील के बगैर चल ही नहीं सकती। सही। आप उनके साथ बड़ी मुश्किल 2 साल के बाद इस पॉइंट पे पहुंचे और आपने उन्हें एकोमोडेट किया और आपने उसके नतज देखे कि आज वो चीज़ें सामने आ रही हैं और आप GDP ग्रोथ के नारे लगा रहे हैं। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया से एक्सपोर्ट बंद हुई, अल्लाह ताला ने हमें वो दी सहूलत, आज फैसलाबाद भी और स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी बूम कर रही है। देखिए आपने जब तक अपने स्टील सेक्टर आपका 2nd largest रेवेन्यू जनरेटर है, सही, तो आप अगर इसका ख्याल नहीं करेंगे, आपने देखा कि पिछले 10 साल से पर कैपिटा जो स्टील कंजम्पशन है पाकिस्तान की वो 22-23 किलो है, दुनिया में चाइना 500+ है, वियतनाम जैसा को 150-200 पे है, मतलब हम इंडिया हमसे डबल ट्रिपल है, हम 22-23 किलो पे ही खड़े हैं। यानी इसका कैलकुलेशन करें तो पर पर्सन 25 या 24 किलो, इसका मतलब है कि 6 मिलियन टन आपको चाहिए। तो आपने कैलकुलेट किया है कि क्या आप ड्यूटी स्ट्रक्चर ख़राब करके 6 मिलियन आ रहा है या 4 मिलियन टन आ रहा है टेक्निकली, तो आप ड्यूटी स्ट्रक्चर ख़राब करके बड़े प्लेयर्स को कम और छोटे को ज़्यादा ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं, छोटे रह गए 15%, बड़े रह गए, सो आप तो 80% अपना रेवेन्यू नुकसान कर रहे हैं और नतीजा है कि यहाँ से निकल कुछ नहीं रहा। यहाँ तो आप उठाएं ना रॉ मटेरियल को, करें इंटरनेशनल मार्केट के बराबर, कस्टम ड्यूटी करें ख़त्म। चाइना में एक बंदा साइकिल बनाता है, $600 अगर चाइना लोकल मार्केट में लो है, वो 650 की उसे कॉस्ट करती है साइकिल, वो उसमें 2% रबड़ होता है, तो वो मार्केट में 650 की बेच के घर चला जाता है। हमें वो 600 के ऊपर 400 ड्यूटी देनी पड़ती है। हम 1100 की साइकिल, आपके स्वाब वगैरह भी तो बंद हो गई हैं, आपके छनकने और छोटे छोटे पार्ट्स जो लोहे के हैं सब इम्पोर्ट होते हैं, बिकॉज आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, आपको फिनिश गुड्स इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। आपको चाहिए कि फिनिश गुड्स के ऊपर टैक्सेस लगाएं और रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री के लिए, ये देखें ये लग्जरी कार नहीं है, उधर चार्ज करें आप, ये चीज भी नहीं है, ये कोई फ्रूट भी नहीं है, ये इंडस्ट्री की नीड है, आप इस पर ड्यूटी स्ट्रक्चर बिल्कुल नीचे ले जाए जितने लेके जाना था, फ्री छोड़े इस मार्केट को, फिर मैं देखूं जब इंटरनेशनल मार्केट में $600 या $1000 का लो है, हम $100 वैल्यूएशन करके पूरी दुनिया, हमारी भी चीजें जाएंगी। चाइना को जगह जगह पे एंटी डंपिंग का सामना है, पाकिस्तान पे तो नहीं है, तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट चाइना के मुकाबले में हम 5% भी अपनी सेल कर लें
तो इतना बड़ा रेवेन्यू डॉलर की शक्ल में जनरेट करेंगे, ये चीज़ किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। सही खाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। हम हुकूमत से ये कहते हैं कि जब भी वो कोई पॉलिसी बनाए, जब भी वो कोई फार्मूला बनाए, यकीनन अपनी मर्जी ज़रूर करें, अपने टेक्नोक्रेट्स की ज़रूर बात माने, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपने साथ ज़रूर बिठाएं, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें जो नज़रअंदाज हो जाती हैं या जिनसे पहलू तय हो जाती है, वो भी पॉलिसी का हिस्सा बने और सब राज़ी होके उठे। क्योंकि हमारा मकसद खाली ये नहीं है कि मुझे क्या फ़ायदा होना है, हमने ये भी देखना है कि हमारे मुल्क को किस तरीके से तरक्की मिलती है, रेवेन्यू मिलता है और हमने दुनिया का मुकाबला करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।